नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम है ओम प्रकाश। आज की वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाला हूं एक Realme ब्रांड की, जो कि काफी मजेदार होने वाला है। इस वीडियो में बताऊंगा इस Realme ब्रांड को मैंने क्यों खरीदा, और साथ ही ये बताऊंगा इसका क्या प्राइस होने वाला है और इसके फीचर के बारे में, और इसकी पूरी डिटेल के बारे में आपको बताऊंगा। तो प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं और अनबॉक्सिंग करते हैं। तो चलिए जल्दी से अनबॉक्सिंग करती हैं इस Realme ब्रांड की। जैसे कि आप देख सकती हो, ये मैंने Flipkart से मंगा रखा है। ये Realme ब्रांड है, आप देख सकती हो। इस पे कुछ मेंशन कर रखा है इसकी फीचर के बारे में, जैसे कि लार्ज कलर डिस्प्ले हो गया, रियल टाइम हार्ट रेट मॉनिटर हो गया, केबल फ्री चार्जिंग हो गया, स्पोर्ट्स डिटेक्शन ट्रैकिंग, IP68 वाटरप्रूफ और ऐप नोटिफिकेशन। तो चलिए इसके बॉक्स में देख लेते हैं खोल के कि इसके अंदर क्या क्या एक्सेसरीज देखने को मिल जाती है। तो इसके बॉक्स में आप देख सकते हैं खाली है, पर इसका जो ये है तो बॉक्स में आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाती है, इसको कैसे कैसे यूज कर सकते हो आप, सारा कुछ इसमें डिटेल लिख रखी है कि ब्रेसलेट है, क्योंकि स्टार मॉनिटर आप इसको पढ़ सकते हो, लेकिन इसको पढ़ने की कुछ जरूरत नहीं है, आप आसानी से समझ सकते हो। तो उसको साइड में करते हैं और इसके अंदर देखते हैं कि और क्या क्या है। इसमें और कुछ देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ एक Realme ब्रांड देखने को मिल जाता है। ठीक है, आप देख सकते हो ये Realme का ब्रांड। इस पर इसके डिस्प्ले पे फिल्म चढ़ी हुई है, फिल्म कवर चढ़ी हुई है, जो कि मैं इसको हटाने वाला हूँ। ये भी स्विच ऑफ है, इसको ऑन करके देख लेते हैं कि बैटरी डाउन है। इसको मैं चार्ज करके दिखाऊंगा आपको, बट उससे पहले आपको कुछ दिखाना तो बताना चाहता हूँ कि ये जो Realme ब्रांड है उसका जो वेट है वो 20 ग्राम है, काफ़ी लाइट वेट है। उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है, रबड़ बैंड काफ़ी सॉफ्ट है, आप इसी ईजी टू कैरी कर सकते हो, उसको आराम से पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और ये Realme ब्रांड 3 कलर में अवेलेबल है अमेजोन पे चाहे फ्लिपकार्ट पे, आप इसको कहीं से भी मंगवा सकते हो। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है कलर का वो है ग्रीन, येलो और ब्लैक। ग्रीन भी काफ़ी अच्छा लगता है, पहले मैंने सोच रहा था ग्रीन बनाने का, बट ब्लैक इज़ ऑलवेज फेवरेट। इस Realme ब्रांड की डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 0.96 इंच की कलर डिस्प्ले देखने को मिलती है, और अदर ऑप्शन देखने को मिलता है आप रनिंग करते हो तो आपकी ये ट्रैकिंग का दिखा देता है। उसको थोड़ा प्रेस करने पे आपको दे नीचे स्लाइड करने पे आपको अदर फीचर भी देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पे रनिंग का है, उसमें BPM का है, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल का। आपको इसमें ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर दिखाता रहेगा, कंटिन्यूस हार्ट बीट दिखाती रहेगी, और अगर आपका हार्ट बीट ज़्यादा हो गया तो अपने आप नोटिफिकेशन सेंड कर देगा आपको। उसके बाद देख लेते हैं इसमें अदर फीचर, क्रिकेट मोड है, अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो उसके हिसाब से आपका हार्ट बीट ऑटोमेटिक चेक होता रहता है, और कितना आपने रनिंग करके सब कुछ शो हो जाएगा। उसके बाद देखने को मिलता है योगा का, अगर आप योगा करते हो तो सब कुछ आपको बताएगा कैसे फीचर हैं, और अगर आप रनिंग कर रहे हो तो ऑटोमेटिक ये रनिंग का ऑप्शन चलने लग जाता है। जैसे आप अचानक सडनली रनिंग करोगे तो ये ऑटोमेटिक आपको दिखा देगा कि कितने आपने रनिंग कर रखी है। अबाउट में जैसे फंक्शन देख सकते हो आप, ये देखो आपने कितनी कैलोरी करी है, सब कुछ यहाँ पे शो होगा रनिंग में कितनी कैलोरी कर रखी है। और इसका BPM देख लेते हैं कि BPM का भी इधर कुछ फंक्शन है कि नहीं। इस Realme ब्रांड की जो बैटरी है वो 90 mAh की है। अगर आप इसकी Realme ब्रांड ने इसको कंफर्म कर रखा है, इसकी जो बैटरी लाइफ है
वो 6 से 9 दिन चलती है। अब मान लीजिए आप अगर कंटिन्यूस हार्ट बीट पे सेट कर रखे हैं तो ये रियलमी बैंड आपको 6 दिन की बैटरी पैकअप देता है। अगर आपने नॉर्मल इसकी हार्ट बीट कर रखी है तो ये आपका रियलमी बैंड 9 डेज़ का बैटरी पैकअप दे सकता है। तो चलिए देखते हैं अब इसको 9 दिन तक या 6 दिन तक मेरे को बैटरी पैकअप देता है या नहीं, मैं आपको बताऊँगा वीडियो में। जैसे कि आप देख सकते हो ये आपका USB पार्ट वाला सेक्शन है, इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा ऐसे प्रेस करके ऐसे खींच दिया और ये निकल गया। अब मैं आपको चार्ज करके दिखा देता हूँ कि ये चार्ज कैसे हो सकता है। आप इसको डायरेक्ट अडाप्टर पे लगा सकते हो या पावर बैंक पे लगा सकते हो। यहाँ पे LED ग्लो का निशान दिखा दे दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आपको चार्जिंग की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी ये चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद बात करते हैं इसके ऑप्शन की, तो ये भी 70% दिखा रहा है कितना चार्जिंग दिखा रहा है। इसको मैं निकाल देता हूँ। इसको अपडेट करना पड़ेगा और इसको अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपके स्मार्टफोन में रियलमी ऐप लिंक होना चाहिए। तो चलिए रियलमी ऐप लिंक डाउनलोड करते हैं और इसकी नोटिफिकेशन देखते हैं और इसकी एप्लीकेशन में क्या क्या फीचर देखने को मिलता है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने रियलमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा है रियलमी लिंक के नाम से। यहाँ पे अपने सर्च करना है और आपने रियलमी लिख देना है, रियलमी लिंक आपको सबसे पहला शो हो जाएगा और इसको ओपन करके दिखा देना है। आपको यहाँ पे एग्री कर देना है, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रखे आप पढ़ सकते हो, वैसे पढ़ता कोई नहीं है, सीधा एग्री कर दो उसको। अलो ऑल द टाइम, आप इंडिया, इसको इंडिया से करंट सेलेक्ट कर देना और आपको यहाँ पे पूछेगा अलाउ मीडिया को, अलाउ कर देना। यहाँ पे साइन कर देना, यहाँ पे सर्चिंग पे आ जाएगा। अगर आपने वेरिफिकेशन है आपने यहाँ पे रजिस्टर कर लेना है। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस कुछ भी डाल सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो ये रियलमी लिंक मैंने अपडेट कर लिया, सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ जाएगा, आपको बैंड है आपका रियलमी बैंड है या वॉच है या ईयरफोन है। मेरे पास बैंड है तो मैंने रियलमी बैंड का भी एक ही लॉन्च हो रखे हैं, तो मैनुअली एड कर सकते हैं या नियर बाई डिवाइस सर्च कर सकती हैं। अपने आप ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा और सर्चिंग में आ जाएगा। तो ये सर्चिंग में आ चुका है रियलमी बैंड, इस पर आपने प्रेस करना है फिर ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। आपका जो डाटा है सारा कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिक सिंक हो जाएगा, जैसे कॉल डिटेल वगैरह सब कुछ है और टाइमिंग और डेट का भी। तो अवेटिंग कन्फर्मेशन, आपने ओके कर देना है। पेयरिंग फेल हो चुकी है तो इसको लिख रख कर टच के बटन दबाने के लिए थोड़ा डिवाइस क्लोज टू फोन। हो गया कनेक्ट। यहाँ पर ना जो सेंसर है आपने उसको थोड़ा प्रेस करके लिखना है, वहाँ पे आपको लिखा हुआ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके। तो यहाँ पे लिखा आ रहा है कि आप मेल हो फीमेल हो तो सेलेक्ट कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ आएगा तो यहाँ पर हमने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर देना है। अपने यहाँ पे हाइट यहाँ पे मेजर कर देना है, तो 5 मेरी है 5 फुट 11 इंच। योर वेट अभी LBS में मेरा KGs में है मेरे को पता है, तो मेरे 64 है, 64 63 अराउंड चलता रहता है मेरा वेट। यहाँ पे अपना स्टेप आप डेली कितने स्टेप कंटिन्यू करते हो वो आपने सेलेक्ट कर देना है कि आपका एवरेज स्टेप कितना है। तो मेरा भी 6000 मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। मेरा रियलमी बैंड कनेक्ट हो चुका है, यहाँ पे एग्री कर देना है। फिर सारा कुछ आपका डाटा आ जाएगा कि कितने परसेंट बैटरी है आपकी, आप रियलमी बैंड पे क्लिक करके देख सकते हो सेटिंग में जाके कि आप सबसे पहले आपको देख
फीचर देखने को मिलता है वॉच फेस, तो ये अभी सिंक हो रहा है। इसमें आपने जो आपकी जो डिस्प्ले है रियलमी बैंड की, आप उसको सेलेक्ट कर दें कि आपने कैसा रखना है रियलमी बैंड की डिस्प्ले को। तो जैसे आपने ये सेलेक्ट किया है तो सेट अभी हो चुका है, फिर उसके बाद ये भी कर सकती हो, तो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट मुझे ये लग रहा है। अभी ये 5 फेसेस दिख रहे हैं, बट अगर आप अपडेट होता है तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, यहाँ पे और भी वॉच फेसेस आ जाएंगे। तो मैं चलिए यही सलाह यही रहने देते हैं, उसके बाद अदर ऑप्शन देख लेते हैं कॉल रिमाइंडर का। इस पर ओके कर देना कि आपको कोई भी कॉल आती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो अगर आपने नोटिफिकेशन फ्रेश ऑप्शन देखना है तो नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए कि किस चीज़ की नोटिफिकेशन आपको चाहिए, रियलमी लिंक की तो इसको अलाउ करना, ट्रू कॉलर की चाहिए तो ट्रू कॉलर पे ओके कर देना। उसके बाद बैक करते हैं, देखते हैं रियलमी लिंक और क्या क्या आता है, व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन, SMS की, फेसबुक की, अदर देख लेते हैं क्या क्या फीचर हैं। चीज़ की भी आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको। बैक कर लेते हैं, अब तो देख लेते हैं गेट मी गेट अप रिमाइंडर। आपको कोई भी सेट करना है, अलार्म लगाना है तो यहाँ पे सेट कर सकते हो इस पे ओके करके, अलार्म लगा दे सकते हो आप यहाँ पे। जैसे कि आपने सुबह उठना है 8 बजे, 7 बजे, मैं उठता हूँ 7:30 बजे के अराउंड, यहाँ पे 7:30 बजे सेट कर लेना है। यहाँ पे अगर आपने डेली रूटीन करना है उठने का तो यहाँ पे सारे सेलेक्ट कर सकते हो, संडे मंडे ट्यूसडे, और डन कर देना है। और आराम लिखना है, गो टू बेड, वेक अप, टेक मेडिसिन, यहाँ पे आप मीटिंग, गेट टुगेदर, डेट, एक्सरसाइज की उठना है, वे जागना है, सोना है, मेडिसिन लेना है, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो वेकअप का ही है ही मेरे पास, ओके कर देना है और डन कर देना है। तो ये अलार्म सेट हो गया, आप 2 भी अलार्म सेट कर सकते हो, चाहे जितना मर्जी अलार्म सेट कर सकते हो। अब इधर से देखना है कि अदर में आपको अलार्म एक और मिल गया। उसके बाद वाटर रिमाइंडर, अगर आपका पानी पीने का मन है, अगर आपने हर 1 घंटे बाद नोटिफिकेशन चाहिए कि पानी पीना है तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं कि पानी पीना है, 1 घंटे बाद पानी पीना है, 15 मिनट बाद पानी पीना है, कि 1.5 घंटे बाद पानी पीना है। ये आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, या आपको नोटिफिकेशन आपको रियलमी लिंक पे, आपको बैंड पे दिख सकता है, दिख जाएगा। तो मैंने अभी अभी इसको ऑफ कर देता हूँ, बाद में देख लूँगा कैसे क्या करना है। सबसे बात है हार्ट रेट मेजरमेंट, ये यहाँ पे ऑटोमेटिक हो रखा है और मैनुअल हो रखा है, तो मैं ऑटोमेटिक ही देख लेता हूँ, मैं तो मैनुअल देख लेता हूँ ताकि मेरी बैटरी कम यूज़ हो। इसके बाद इसमें आपको डू नॉट डिस्टर्ब का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलती। अगर आपने इस पे ओके कर दिया तो यहाँ टाइमिंग लिखाएगा कि 9 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक आपकी कोई भी रियलमी बैंड पे नोटिफिकेशन नहीं आएगी। तो अभी के लिए इसको बंद कर देता हूँ। अब इसमें ऑप्शन देखने को मिलता है फाइंड मोड, जो कि आपके हर स्मार्टफोन में, स्मार्ट बैंड में आपको मिल जाएगा फाइंड मोड फोन का। अगर आपने ऑटोमेटिक एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, रनिंग करना शुरू कर दिया, तो ये आपका जो सेंसर है ऑटोमेटिक काउंट हो जाएगा, ऑटोमेटिक एक्सरसाइज का स्टेप काउंट होने लग जाएगा। सेट गोल कर सकते हो कि कितने मेरे को डेली चलना है, कितने स्टेप करने हैं। उसके बाद ऑप्शन देखने को मिल जाता है कि ब्राइटनेस का, अगर आप ऑटोमेटिक हैं और नाइट ब्राइटनेस कर सकते हो, अगर आप इंडोर में हो तो कम कर सकते हो, आउटडोर में तो ज़्यादा कर सकते हो। ये वेदर के हैं, लोकेशन नॉट फाउंड, अब इसको लोकेशन सेट कर लेते हैं।
चलो उसको अभी टाइम लग रहा है तो आप अपने आप से कर सकते हो। मैं अगर आगे फीचर बता देता हूँ आपको। इंडिया चंडीगढ़, लोकेशन आपकी आ गई है इंडिया चंडीगढ़ की। ये हार्ट रेंज है, यहाँ पे आपको वार्म अप दिखा रखा है, नॉर्मल कितना होता है, फैट बर्न कितना है, एरोबिक कितना होता है। योर मैक्सिमम हार्ट रेट इज़ 194। ये आपका स्क्रीन रोटेशन भी दिखा देगा कि आपने स्क्रीन कैसी रखनी है। अगर आपने स्क्रीन रोटेशन कर रखा है तो आपकी जो बैंड की डिस्प्ले है वो कुछ ऐसे शो होगी जैसे मैं दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ सेट हो चुका है। यहाँ पे वेदर का भी आ चुका है कि कितना वेदर है अभी, टेम्परेचर बाहर का। एक बार सेट कर लीजिए, सब कुछ सेट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद चलते हैं दोबारा से एप्लीकेशन में। ये यूनिट सेटिंग है कि आपकी केजी कितना है, किस रिस्टार्ट डिवाइस, डिवाइस अपग्रेड, तो इसको थोड़ा सा और अपग्रेड कर लेते हैं। इस रियलमी बैंड में आपको इसको अपडेट करने के बाद आपको म्यूज़िक कंट्रोल का भी फंक्शन दिख जाता है, तो ऐड स्टॉप वॉच का भी फंक्शन दिखता है, और फिक्स सम नॉन बग्स का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये अभी तक ये हम लिख रखे हैं कि ये 10 मिनट तक लग सकते हैं, तो कोई चक्कर नहीं है। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हो ये डिवाइस अपग्रेड हो चुका है रियलमी बैंड का, तो उसको ओपन करके देख लेते हैं इसमें क्या क्या फीचर आपको अपडेट हो चुके हैं। तो उसको बैक करते हैं तो इसमें हाउ टू गेट कॉल, टैप टू व्यू, ये तो पता लग जाएगा। वॉच फेसेस में देखते कुछ आया नहीं, बस थोड़ा डिजाइन आ गया है शो होके। नोटिफिकेशन, वाटर रिमाइंडर, हार्ट रेट, ये सब कुछ। फ्रेंड्स अपडेट करने के बाद आपको कस्टम फंक्शन ऑप्शन देखने को मिलता है, तो उसमें आपको वेदर का यू कैन चूज ओनली अप टू टू, मतलब कि आप कोई भी दो फोन दो चीज़ें। तो फ्रेंड्स अगर आप अपने रियलमी एप्लीकेशन को अपडेट करते हो तो आपको कस्टम फंक्शन देखने को मिल जाता है, और इसमें आपको चार ऑप्शन देखने को मिलते हैं, वेदर, स्टॉप वॉच, म्यूज़िक कंट्रोल और फाइंड फोन। आप कोई भी इसमें से दो सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि और यहाँ पे लिखा आएगा यू कैन ओनली चूज़ अप टू टू, मतलब कि आप कोई भी दो सेलेक्ट कर सकते हो, स्टॉप वॉच, म्यूज़िक कंट्रोल। तो म्यूज़िक कंट्रोल ऑप्शन सही है, तो उसको मैंने बंद कर दिया स्टॉप वॉच को अभी तक के लिए, और म्यूज़िक कंट्रोल कर देता हूँ। तो देखते हैं म्यूज़िक कंट्रोल करने के बाद कैसा इसका फंक्शन होता है म्यूज़िक कंट्रोल करने का। तो इसको पैक करते हैं। तो सबसे पहले ये आपने ऑप्शन निकाल लेना है म्यूज़िक कंट्रोल का, उसके बाद आपने कोई भी सॉन्ग को प्ले करना है या फिर पॉज करना है तो आप इस पे ऑप्शन पे ला सकते हो, वाइट वाइट आपको दिख जाएगा, दे देखिए। उसके बाद ये ऊपर बैक कर देना है। अगर आपने वाइट वाइट वर्क को पॉज किया है, इसको होल्ड पे करें तो ये आपका सॉन्ग प्ले हो जाएगा। दोबारा इसको पॉज करके रखो तो ये पॉज हो जाएगा सॉन्ग आपका। अगर आपने नेक्स्ट या प्रीवियस सॉन्ग आपने प्ले करना है तो जैसे ये मैंने नीचे किया ये प्रीवियस सॉन्ग हो जाएगा, इसको भी थोड़ा सा प्रेस होल्ड करके रखना है तो आपको प्रीवियस सॉन्ग प्ले हो जाएगा। इसी तरह ये नेक्स्ट सॉन्ग का ऑप्शन है, इसको थोड़ा प्रेस करके रखना पड़ेगा। एक दुआ मांगी है तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है कि आप म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हो। और इसका जो प्राइस है रियलमी का वो काफ़ी अच्छा है, सिर्फ आप ये आपको 1500 रुपये के रेंज में, 1500 रुपये का मिल जाएगा, चाहे वो अमेजोन से आप खरीद सकते हो या फिर आप फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हो। इसको मैंने फ्लिपकार्ट से मंगा रखा है, तो ये तीन या चार दिन में आपके घर पे पहुंच जाएगा आपके लोकेशन के हिसाब से। आप देख सकते हो यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है, काफ़ी अच्छा सेंसर है, काफ़ी लाइट वेट भी है।
उसको मैंने इसलिए मंगा रखा है, जो मेरे पास लेनोवो का था वो काफ़ी मेरी गलती के कारण ये ख़राब हो चुका था, आप देख सकते हो। ये काफ़ी बेस्ट था, मैं इसको मैंने 1.5 साल यूज़ किया, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई। बट कुछ प्रॉब्लम के कारण इसमें इसका जो बैंड का वो स्ट्रैप है, चार्जिंग वाला स्लॉट है, वो ख़राब हो चुका था, जिसके कारण मैंने मिड रेंज का एक स्मार्ट बैंड मंगवाया, काफ़ी फिटनेस बैंड। अगर आप भी फिटनेस बैंड मंगाना चाहते हो 1500 की रेंज में, तो ये बेस्ट ऑप्शन होगा आपके लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।